अगर सरकार आपकी चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कर रही है, कहीं आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है, हमने आरक्षण के नियमों का पालन किया, यहां तक कि 10% आर्थिक रूप से सामान्य जाति के लोगों को भी आरक्षण दी जाने वाली उस व्यवस्था को भी यहां पर इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। अगर पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है तो सरकार की आप सबसे अपेक्षा होगी कि इसी प्रकार की पारदर्शी तरीके के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से क्या किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? हाथ उठा के बोल दो, इशारा कर दो। यहां पे आप में से किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी अन्य जगह से? और ऐसा तो नहीं कि किसी मंत्री, किसी अधिकारी या किसी नेता के घर के लोग पैसा लेने के लिए, वसूलने के लिए आपके घरों में, आपके आसपास चले हों? लेकिन ये पहले होता था, 2017 के पहले होता था। कोई खानदान ऐसी होती थी कि जो अलग अलग भर्ती उनको आवंटित हो जाती थी, ये फलाना भाई देखेगा, ये फलाना चाचा देखेगा, ये फलाना भतीजा देखेगा, ये फलाना देखेंगे, ये सब होता था ना यहाँ पे। ये चाचा, काका, मामा, नाना, ये सब पहले, या तो महाभारत में आपने सुना होगा या पिछले 2012 से 2017 के बीच में अपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया। और ये लोग जैसे महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह बाधित किए थे, इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये विकास के बाधक तत्व हैं। जब किसी ईमानदार व्यक्ति को नौकरी देनी हो, ईमानदारी से उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के आधार पर तक ईमानदारी नहीं दिखती थी। पहले जाति, और जाति में भी अगर कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति, उसको नहीं, फिर पैसा। और फिर ये भी देखते थे कि पैसे के साथ साथ, तो ये भी देखते थे कि ऐसा तो नहीं भाई परिवार की कोई अयोग्य लड़की है तो उसका शादी के लिए कोई बरी मिल जाए, चले इसी बहाने से हो जाए। ये भी सब कारक बनते थे। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता था? प्रदेश को। प्रदेश की 22 करोड़ 24 करोड़ जनता इससे प्रभावित होती थी। प्रदेश पिछड़ता गया। जब 2017 में मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, लोग मुझे कहते थे कैसे चलेगा, मैं कहता था भाई उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं हैं, मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश उन व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेशों में से एक है जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, केवल उसको एक नेतृत्व की आवश्यकता है। यहां पे हमारे पास सारा सिस्टम है। ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे साथ अधिकारियों की टीम भी मेरे साथ आ गई होगी। मेरे साथ तो मंत्री आए होंगे, अधिकारी तो वही हैं, कर्मचारी वही हैं, सिस्टम पूरा वही है। ये वही उत्तर प्रदेश है। जब भारत सरकार की कोई रैंकिंग आती थी तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था, और आज यही उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार की किसी भी योजना में नंबर एक पर, नंबर दो पर, नंबर तीन पर उत्तर प्रदेश आता हुआ दिखाई देता है। कुंभ के आयोजन के माध्यम से एक भव्य और दिव्य कुंभ कैसे होना है, यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। और वैश्विक महामारी कोरोना में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, तो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य क्षमता को देश के सामने प्रस्तुत किया कि नहीं, कैसे प्रबंधन होना है। यह टीम वर्क यही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे व्यवसाय की सुगमता, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2016 में हम 14वें स्थान पर थे। यानी देश के अंदर अगर किसी निवेशक को चयन करना होता कि मुझे किस कहां निवेश करना है, तो हमारा नंबर 14वें स्थान पर था। क्या यहां कोई निवेश करता? अरे प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की होती है, 14वें पे कोई नहीं जाता।
और आज मात्र 4 वर्ष में हमारी टीम ने ऐसा प्रयास किया, ऐसा कार्य किया कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। अर्थव्यवस्था में जब कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष आता था, कोई राजदूत आता था या कोई निवेशक आता था, हम उनसे बातचीत करते थे, प्रदेश के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते थे, प्रदेश के बारे में बताते थे, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश, तो हम लोग कहते थे उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन ये देश की 5वीं या 6वीं अर्थव्यवस्था है, हम ये कहते थे। आज मैं कह सकता हूं 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की 2री अर्थव्यवस्था हो चुकी है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था हो चुकी है।